आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज से ईवीएस की सबसे पहले आपकी क्लास रहेगी, तो फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेसन का नाम है आपका अ बेबी इज बॉर्न। देखिए, ये एक स्टोरी दी गई है आपको, मैं ये स्टोरी पढ़ के बताऊंगी कि कैसे ये एक बेबी जो है वो उसने जन्म लिया है, तो उसके बारे में एक स्टोरी दी गई है। प्रिया इज हैप्पी टुडे, डैडी हैज जस्ट टोल्ड हर दैट हर मदर विल सून कम होम विथ हर न्यू बेबी सिस्टर। प्रिया नाम की एक लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके पापा ने उसको बताया था कि उसकी मदर एक न्यू बेबी सिस्टर के साथ आने वाली है घर, ठीक है। और उनकी माँ जो ग्रैंड मदर जो है वो हॉस्पिटल में है, उनकी वो छोटी सिस्टर है और उसकी मदर है उसका ध्यान, उनका ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो प्रिया भी थी जो वो अपने वो हॉस्पिटल जाया करती थी उनको देखने के लिए। तो प्रिया ने बेबी के बारे में उसकी ग्रैंड मदर से पूछा, ठीक है। तो उनकी कन्वर्सेशन देखिए यहाँ पर दी गई है आपकी बुक में कि क्या क्या पूछा था प्रिया ने। प्रिया ने पूछा था कि ये पहले क्यों नहीं आई, तो उन्होंने बोला दादी माँ जो थी उनकी, उन्होंने बोला कि शी वॉज ग्रोइंग देयर नाउ दैट शी इज ओल्ड इनफ, मतलब वो वहाँ पर बढ़ रही थी और अब ये बढ़ चुकी है तो उसको बाहर आना था। और फिर उसके बाद उन्होंने उसको बोला कि ये क्या खाती थी मम्मी की टमी के अंदर, तो उन्होंने बताया कि जो मम्मी खाती थी वही वो खाती थी। उसके बाद वो बोलती थी क्या, उसने पूछा प्रिया ने कि वाई आई ऑल्सो बॉर्न दिस वे, वॉज आई ऑल्सो बॉर्न दिस वे, मतलब क्या मैं भी इसी तरीके से पैदा हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम इसी तरीके से पैदा हुई थी। तो ये इस तरह की कन्वर्सेशन उनके बीच में हुई थी, ओके। उसके बाद देखिए द यंग वंस, मतलब जो बेबी है वो कैसे होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई, वाइल सम एनिमल्स ले एग्स अदर गिव बर्थ टू बेबीज, द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज दे आर कॉल्ड मैमल्स। जो बेबीज को बर्थ देते हैं, मतलब जो बेबीज पैदा करते हैं उनको मैमल्स बोला जाता है। काउ, बफेलो, गोट, एलिफेंट, लायन, हॉर्स, ये सारे मैमल्स हैं, ओके। और उसके बाद जब बेबी बॉर्न हो जाता है, जब बेबी जन्म ले लेता है, द मदर मदर्स लुक आफ्टर देम टिल दे आर ओल्ड, और उनकी मम्मी जो होती है वो उनकी देखभाल करती है। स्नेक्स, लिजर्ड, हैंस, फ्रॉग्स, फिशेज, इंसेक्ट एक्सेट्रा ले एग, ये सारे भी एग्स देते हैं, तो ये सारे मैमल्स कहलाएंगे, ओके। ह्यूमंस एंड देयर चिल्ड्रन, अब देखेंगे ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन बींग्स जो है वो भी मैमल्स ही हैं। द बेबी स्टेज इन साइड मदर वॉम, मदर के वॉम के अंदर बेबी स्टे होता है 9 मंथ्स के लिए ऑलमोस्ट। द बेबी गेट सप्लाई ऑफ फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, मदर की बॉडी के थ्रू बेबी को फूड, वाटर, ऑक्सीजन ये सब मिलता है, ओके। जो ट्यूब होता है वो प्लेसेंटा कहलाता है, जो बेबी से ज्वाइन होता है, और 9 मंथ्स काफ़ी होते हैं उसको बढ़ने के लिए, और फिर वो बर्थ ले लेता है। देखिए उसके बाद होता है एक चीज़ एडॉप्शन, जो पेरेंट्स बेबी बॉर्न नहीं कर पाते हैं, मतलब जो पैदा नहीं कर पाते बच्चे, वो अडॉप्ट करते हैं बच्चे जो अनाथालय होते हैं, जो ऑर्फन होते हैं, मतलब जो अनाथ बच्चे होते हैं जो ऑर्फनेज में रखे जाते हैं, उनको जो पेरेंट्स होते हैं वो लीगल प्रोसेस के थ्रू अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उनको फिर वो पालते हैं, ओके। अ बेबी दैट इज बॉर्न बिफोर 9 मंथ्स, जो 9 महीने के पहले जो बेबी पैदा हो जाता है उसको बोलते हैं प्री मैच्योर बेबी, ओके। उसके बाद देखिए फॉस्टर पेरेंट्स, फॉस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सम चिल्ड्रन आर अडॉप्टेड बाय पीपल फॉर अ शॉर्ट टाइम, दीज देयर आर फैमिलीज दैट टेक अनदर पर्सन चाइल्ड विदाउट बिकमिंग अ चाइल्ड्स लीगल पेरेंट्स, सच पेरेंट्स आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स। कुछ चिल्ड्रंस होते हैं जो थोड़े समय के लिए पेरेंट्स उनको अडॉप्ट करते हैं और फिर उनको दूसरे पेरेंट्स तक पहुंचा देते हैं, तो उनका लीगली पहुंचा देते हैं, तो जो लीगल पेरेंट्स होते हैं वो फॉस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे से एक स्टोरी दी गई है इसको समझाने के लिए, रामाज मेड हैड अ सन हु वाज वेरी गुड एट स्टडी,
रामा के, रामा का मेट था जो, राम का मेट था जो, उसका एक सन था, वो बहुत अच्छा था स्टडीज में. द मेड हैड गो बैक टू हर विलेज आफ्टर हर हस्बैंड डाइड. और उसको उसकी उसका पति मरने के बाद उसको गांव जाना पड़ रहा था. बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू टेक हर चाइल्ड. लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं ले जाना चाहती थी और वो उसको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी. तो जो रामा रामा था उसने उसके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी. और ये कहलाता है क्या, फॉस्टर पेरेंट्स. ठीक है, तो ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा. और अगर नहीं आया हो तो आप पूछ लेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपको सब दे दी जाएगी. तो आप लोग उसको राइट करेंगे कॉपीज में, बुक्स में फिल करेंगे. और अगर कुछ नहीं आता है समझ में तो पूछ लेंगे.